ओम शांति। इस जन्म में आपके पास क्या है क्या नहीं आपको पता नहीं, कुछ भी, सब कुछ दिखावे के लिए है, दिखावा मात्र है। आपके पास अपनी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है उसकी स्मृति में रहो। तो पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ, जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते जो अंतर की स्थिति में रहते हैं, जो अंतर्मुखी रहते हैं, जिन्हें ये खुशी है कि मेरे साथ कौन है। और ये जो खुशी है इसको कोई लूट नहीं सकता, इसे बार बार रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। ये अंतर की स्थिति में जो रहने वाला होगा वो कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकता। माना वो किसी पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में नहीं जाएगा, संबंधों में नहीं फंसेगा, संपत्ति में उसका मोह नहीं होगा, पदार्थों में उसकी बुद्धि नहीं अटकेगी, तो वो धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है। आपके पास शक्ति स्वरूप तो होगा ना, आप सब आत्माओं के पास है। तो जब आप अंतर की स्थिति में रहते हो तो आपका शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है, और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। जितनी आपके पास शक्ति होगी उतना ही आप बाप को दिखा पाओगे। अब बाप का आप साक्षात्कार तभी करा पाओगे जब आप अपने में शक्ति फील करोगे, तभी तो किसी को सुनाओगे, किसी को बताओगे कि आपको क्या मिला है। जब तक आप ही खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो तो दुनिया को कैसे बताओगे कि आप भगवान की पालना में हो। तो जब स्वयं जो आपकी गुप्त शक्ति स्वरूप है जब वो प्रत्यक्ष होगी, तो उसी शक्ति से, माना उसी स्वरूप से आप बाप की प्रत्यक्षता कराएंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही है। क्या है वो? सच्चे स्नेही है। ओम शांति।